नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल गांव किसान में। आज जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये अरहर का प्लॉट है। आज हम अरहर के बारे में बात करने वाले हैं, आपको बताऊंगा मैं। ये हमारा प्लॉट है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्लॉट है ये। इसमें आपको कहीं भी देखिए पीलापन नज़र नहीं आएगा, एकदम हरा भरा पौधा है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अरहर की खेती करके आप अपनी लागत का 4 से 5 गुना ज़्यादा तक इनकम अर्न कर सकते हैं। तो जो किसान भाई अभी चैनल पर नए आए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो जी हाँ किसान भाइयों, हम बात करेंगे अरहर की खेती के बारे में और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये खेती क्यों करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर किसी भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट लेना है, फ़ायदा कमाना है, लाभ लेना है, तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी प्रोडक्शन कैसी है और उसका मार्केट क्या है, इन पर विशेष ध्यान देकर ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस चीज़ की खेती करनी है। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अरहर के बारे में, तो अरहर की आप अगर मार्केट देखें तो वो किसी से छिपी नहीं है, बहुत अच्छी मार्केट है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है इसकी, और प्रोडक्शन इसका कैसे लेना है वो हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, मैं यहाँ पे आपको वही जानकारी दूँगा जो मैंने पर्सनली, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी गेन किया है, जो भी प्रॉफिट लिया है, जितना इन प्रोडक्शन मेरा आया है, मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा और जो टेक्निक्स मैंने अपनाई हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। और मैंने ये, आप देख सकते हैं अभी ये मेरा प्लॉट इस साल का है और पिछले साल मैंने 1 एकड़ में खेती की थी अरहर की, और आप यकीन मानिए 10 क्विंटल के आसपास मेरा प्रोडक्शन आया था, जिसमें मैंने 1 लाख रुपये में मेरी पूरी अरहर जो थी वो सेल हुई थी। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर जो अरहर के दाल की कीमत थी वो 100 रुपये पर केजी थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी अरहर 100 रुपये पर केजी में साबुत अरहर मैंने सेल की थी, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। वो इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि हमने इतना केयर किया था अपने प्लॉट का कि हमारे दाने अरहर के एकदम चमकदार थे, बड़े दाने पड़े थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की अरहर थी, कोई कीड़े नहीं लगे थे, तो इसलिए हमें बहुत आसानी से 100 रुपीज पर केजी का रेट में मिल गया था। और उसके बाद जो अरहर आप निकालने के बाद जो उसके पेड़ बचते हैं, वो पेड़ हमने 15,000 के आसपास लगभग उसको सेल किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट मेरी थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, हालाँकि 15 से 20 हज़ार के बीच में हो जाता है, लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो लगभग 20 से 22 हज़ार के आसपास हमारी इन्वेस्टमेंट आई थी। तो 15,000 लगभग हमारा इससे, उसके जो पेड़ होते हैं उससे निकल आया था। तो लगभग हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो निकल आती है आपके पेड़ से, फिर जितना आप अरहर सेल करते हैं वो आपका पूरा प्रॉफिट होता है। तो आप सोचिए कि 1 एकड़ से आप 1 लाख रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बहुत ही कम आ रहा है, और आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है इसमें। और इस बार देखिए, अभी हमने टारगेट बनाया है कि इस बार, आप प्लॉट देख सकते हैं हमारा, ये प्लॉट है हमारा इस साल का, और हमने टारगेट बनाया है कि पिछले साल अगर हमने 10 क्विंटल का प्रोडक्शन लिया था, तो इस बार कोशिश यही है कि हमारी प्रोडक्शन कम से कम 12 क्विंटल के आसपास पर एकड़ के हिसाब से जानी चाहिए। पिछली बार हमने 1 एकड़ की ही खेती की थी, इस बार हमने 2 एकड़ कर दिया है, 2 एकड़ का मैंने अरहर का ही प्लॉट है हमारा। तो किसान भाइयों, अब आप बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आप 15,000 इन्वेस्ट करके आप लाखों में अर्निंग कर सकते हैं, और आपकी इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपका बिकता नहीं हो, जो आपका सेल नहीं होता हो। आप इसमें अरहर के दाने से लेकर आप अरहर के पेड़ तक बेच सकते हैं,
और इसमें जो खली होती है अरहर की, वो भी आपके जानवर उसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो इसकी हर एक चीज़ यूजफुल है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने वाली है, तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खेती है। आज के टाइम में जिस तरह से मार्केट है इसकी, आप इस पे विशेष ध्यान देकर इसकी खेती कीजिए, आप बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। मैंने कमाया है, आप भी कमा सकते हैं। इसकी बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उससे हट के आपको खेती करनी पड़ेगी ये प्रोडक्शन लेने के लिए जो मैंने आपको बताया है। और इसका खेती कैसे करना है वो मैं आपको A to Z पूरी जानकारी दूंगा, आपको खेत की तैयारी से लेकर और लास्ट तक आपको कैसे इसका ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कीड़े जो कुछ लगते हैं पत्ती लपेटा, ये नहीं लगने पाए पूरे साल। बाकी कैसे कैसे कब कौन सी चीज़ें आपको देनी है, NPK वगैरह सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन आप ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वो वीडियो डालूँगा वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। आप यकीन मानिए, मैंने करके देखा है, आप भी एक बार करके देखिए, बहुत ही अच्छा। जो जो कहते हैं ना किसान भाई कि हमारे तो लागत नहीं निकल पा रही, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये अरहर की खेती। प्लीज़ एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नमस्कार।